अगर आपने Redmi Note 11 ले लिया है या फिर लेना चाह रहे हो तो ये स्पेशल फीचर्स आपके काम आ सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं इसके जो भी स्पेशल फीचर्स है उसके बारे में बताऊंगा। और अगर इस वीडियो को नए यूट्यूबर्स देख रहे हैं जिनका अभी 1000 सब्सक्रिप्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बाकी के जो Redmi Note 11 के फीचर्स देखना चाह रहे हैं वो एक मिनट के लिए इस वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं, और बाकी जो यूट्यूबर्स देख रहे हैं उनके लिए ये वीडियो एक संदेश है। तो कृपया इसे आप अच्छी तरह से समझ लें कि अभी मेरा भी 1000 सब्सक्रिप्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, और अगर आपका भी 1000 सब्सक्राइब कंप्लीट नहीं हो रखा है तो मैंने एक मुहिम चलाया है कि अभी जैसे कि 10 से 15 वीडियो ऐसा है जो कि मेरा वायरल जा रहा है, 5K 4K 3K ऐसे वो वीडियो जो है रोज़ उसमें जो है लगभग 300 से 400 व्यू आ ही जाता है। तो वैसे यूट्यूबर जिनका 1000 सब्सक्रिप्शन कंप्लीट नहीं हो रखा है, अगर आप चाहें तो आप मेरे वीडियो के कमेंट्स में अपना जो है चैनल का लिंक या फिर आप अपने किसी प्रॉपर वीडियो का लिंक आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में डाल दें ताकि मैं उस लिंक को अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल सकूं। तो अगर आप चाहे तो मैं अपने वायरल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल सकता हूं, या फिर जो नया वीडियो अभी मैंने डाल रहा है उस वीडियो में भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक डाल सकता हूं। तो इसके लिए आपको करना बस इतना है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे कमेंट्स बॉक्स में आप अपना चैनल या फिर वीडियो का लिंक डाल दें। मैं बिल्कुल उस वीडियो को प्रमोट करूँगा उस वीडियो पर जहाँ से मुझे अच्छा खासा व्यू अभी आ रहा है। तो ये मुहिम ऐसा रहेगा कि सबका साथ सबका विकास वाली बात हो गया, तो आप मेरा सपोर्ट करें, मैं आपका सपोर्ट करूँगा, इसी तरह से हम लोग जो है यूट्यूब पे आगे बढ़ेंगे। और मेरे व्यूअर से भी अपील है कि कृपया करके आप सब्सक्राइब किया कीजिए। भले ही आप वीडियो ना देखें अभी, हो सकता है कि मेरे वीडियो में बहुत कमी हो, मुझे अभी वीडियो बनाना नहीं आ रहा हो, तो अगर आप मुझे मोटिवेट करेंगे तो मैं अच्छे रिज़ल्ट ला सकता हूँ। और इस तरह से अगर सब्सक्रिप्शन व्यू मुझे नहीं मिलता है तो मैं डीमोटिवेट हो जाता हूँ आगे वीडियो बनाने के लिए। तो प्लीज़ सपोर्ट किया कीजिए, और मेरे जो यूट्यूबर भाई हैं प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपना वीडियो का लिंक डाल दें ताकि मैं उसे अपने वीडियो में डाल सकूँ। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, जो कि मेरा वीडियो का टॉपिक है, Redmi Note 11 के जो भी स्पेशल फीचर्स हैं वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। तो सबसे पहला बात तो यह है कि ये एक ऑलवेज ऑन डिस्प्ले सपोर्ट करने का जो है इसमें फीचर्स है, क्योंकि जो डिस्प्ले है वो एमोलेड डिस्प्ले है। तो आप सेटिंग में जाएंगे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाले ऑप्शन में, तो आपको यहाँ पे देखेंगे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन है, और एनिमेशन यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं नोटिफिकेशन के लिए। तो अभी मैंने ब्लू का जो है ब्लू वाला सेलेक्ट किया है, तो देखिए कॉर्नर पे जो है ब्लू लाइट ब्लिंक करेगा। तो जैसे ही आपका टेबल पे इस तरह से फोन रहेगा, अगर नोटिफिकेशन आता है तो ये ब्लू रंग का ब्लिंक करेगा। आप चाहे तो इसे रेड कलर में भी कर सकते हैं, और जो है इस तरह से स्टार वाला भी डिज़ाइन रख सकते हैं। तो फिर इसी में आपको दूसरा फीचर मिल जाता है जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का जो फॉर्मेट है वो किस तरह का आप रखना चाहते हैं। तो यहाँ पर ढेर सारा जो है प्रीसेट्स आपको मिल जाएगा इस तरह से, अगर आप इसे लगाते हैं देखिए इस तरह से इसका फ्लोवर जो है ग्लो करता है। और यहाँ पे आप चाहे तो आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आप अपना जो है मैसेज डाल सकते हैं अपने लॉक स्क्रीन पे। तो जैसे हम ये अगर अप्लाई कर देते हैं, देन आप देखेंगे जैसे ही हम लॉक करते हैं तो ये जो मैसेज है वो शो करेगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी मैसेज को आप टाइप कर सकते हैं इस जगह पर। तो अभी हम इसको अप्लाई कर देते हैं, तो ये ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का जो फीचर है वो आपको 10 सेकेंड्स के लिए इसमें सिर्फ मिल रहा है, क्योंकि इसे बैटरी का जो ऑप्टिमाइजेशन होता है उसके लिए। तो फॉर 10 सेकेंड आफ्टर टैपिंग। अगला जो फीचर है वो है आपका वॉलपेपर से रिलेटेड। तो आप थीम में जाएंगे, तो थीम में आप जाने के बाद देखेंगे वॉलपेपर में, तो आपका जो फ्री वॉलपेपर्स है वो आपको ढेर सारा मिल जाता है, क्योंकि इसमें MIUI का 13 लगा हुआ है। तो नए वॉलपेपर्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, और जो इसका डिस्प्ले है वो 90Hz जो है सपोर्ट करता है। तो उसे आप मैनुअली जो है कंट्रोल कर सकते हैं कि आप 60 पे रखना चाह रहे हैं या फिर 90 पे। तो उसके लिए आपको डिस्प्ले सेटिंग्स में चले जाना होगा। यहाँ पे आप देखेंगे रिफ्रेश रेट का ऑप्शन मिलेगा, तो ऊपर दोनों ही रिफ्रेश रेट में जो अंतर है वो आपको दिख रहा होगा। तो आप चाहें तो 90 पे भी स्विच कर सकते हैं और 60 पे भी रख सकते हैं।
जब आप रिसेंट खोलेंगे तो रिसेंट में आप देखेंगे फ्लोटिंग विंडो का जो है ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो इस जगह आप प्रेस करके आपको वो सारे ऐप मिल जाएंगे जो आप यूज़ करते हैं। तो जैसे मैंने अभी गैलरी को खोल रखा है तो आप देख सकते हैं गैलरी अभी जो है फ्लोटिंग विंडो में ओपन हुआ है। आप इसे कहीं पर भी एडजस्ट कर सकते हैं, मिनिमाइज भी कर सकते हैं। और अगर आपको इसे फुल स्क्रीन करना हो तो आप नीचे ये डॉट पकड़ के नीचे करेंगे तो ये फुल स्क्रीन हो जाएगा। और अगर आप इसे जो है बंद करना चाहते हैं डायरेक्ट तो आप ऊपर की तरफ इसे इस तरह से क्लोज भी कर सकते हैं। आपको जो कंट्रोल सेंटर मिलता है इसे आप चेंज भी कर सकते हैं। ये नया कंट्रोल सेंटर है, आप चाहे तो पुराने वाले कंट्रोल सेंटर को भी लगा सकते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ नोटिफिकेशन कंट्रोल सेंटर में चले जाना है। देन आप देखेंगे कि यहाँ पर जो इफेक्ट एनिमेशन सॉरी इस जगह पे आप देखेंगे कंट्रोल सेंटर स्टाइल मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देखें ओल्ड वर्जन और जो है न्यू वर्जन दोनों ही यहाँ पे लिख रखा है इन्होंने। आप चाहे तो पुराने वाले वर्जन में भी स्विच कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर आपको मिल जाता है ऐप ड्रॉअर का। तो अभी आप देखिए नीचे जो ड्रॉअर में ऐप है आप उसे चाहे तो सारा ऐप को इस जगह पे स्क्रीन पे ही ला सकते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करना होगा। देन सेटिंग में जाके आप देखेंगे यहाँ पे जो आपको मिल रहा है मोर का ऑप्शन उसमें चले जाना है। देन स्क्रीन होम स्क्रीन पे जाना है। होम स्क्रीन पे आप देखेंगे तो ऐप ड्रॉअर क्लासिक दोनों का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। आप दोनों में से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। सिस्टम नेविगेशन में आपको दो ऑप्शन मिल जाता है। आप चाहे तो यहाँ से जो नेविगेशन बटन है वो भी रख सकते हैं या फिर आप फुल स्क्रीन गेस्चर भी रख सकते हैं। फिर आपको इनबिल्ड जो है स्क्रीन रिकॉर्ड भी मिल जाता है जिसमें आप देखेंगे तो रेजोल्यूशन आप जो है मैक्सिमम 9020x864 तक रख सकते हैं और जो मैक्सिमम बिटरेट है वो आप 60 Mbps रख सकते हैं इसमें। और जो साउंड सोर्स है वो आप माइक म्यूट या फिर सिस्टम साउंड भी रख सकते हैं। डिस्प्ले सेटिंग में आपको डार्क मोड और लाइट मोड मिल जाता है जो कि आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं डार्क या जो है लाइट मोड। और डार्क मोड जो है सारे ऐप में जो है यूज़ होता है और सब सही तरीके से वर्क कर रहा है। स्पेशल फीचर में आपको वीडियो टूल बॉक्स का ऑप्शन मिल जाता है जिसे आप ऑन करके आप अपने ऐप को सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस वीडियो पे आपको उस टूल को यूज़ करना है। तो मैंने जैसे अभी YouTube पे उसे सिलेक्ट कर रखा है तो आप देख सकते हैं जब भी हम YouTube को ऑन करेंगे तो ये टूल जो है मेरा ऑन हो जाएगा। तो इसमें आप कर क्या सकते हैं, आप यूट्यूब को सिर्फ सुन सकते हैं यानी कि आप इसे अगर टैप कर देते हैं तो आपका जो स्क्रीन है वो लॉक हो जाएगा और जो है आपका वॉइस जो है आता रहेगा। तो वॉइस जो है आता रहेगा और स्क्रीन ऑफ रहेगा। और जैसे ही आप इसे अनलॉक करेंगे देन आप उसी पेज पे आ जाएंगे। और इसमें आपको एक और ऑप्शन मिल जाता है ऐप जो है आप इसमें खोल सकते हैं कोई भी छोटा विंडो में। तो जैसे कि मैं अभी प्ले स्टोर खोल देता हूँ, देखिए आप फ्लोटिंग विंडो के थ्रू जो है ये ऑन हो चुका है और पीछे मेरा वीडियो भी रन कर रहा है। और इसे आप बंद भी यहाँ से कर सकते हैं काफ़ी आसानी से। जो लोग वाईफाई यूज़ करते हैं तो उसमें आपको वाईफाई में भी एक स्पेशल फीचर मिलता है जिसे आप जो है सेटिंग में जाके चेक कर सकते हैं, मैनेज सेव नेटवर्क इंस्टॉल सर्टिफिकेट। तो इस जगह पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको वाईफाई असिस्टेंट में जो है टैरिफ मोड भी मिलता है जिसे आप ऑन करने के बाद फास्ट कनेक्शन को ऑन कर सकते हैं। इससे आपका जो भी बैकग्राउंड में वर्क हो रहा है डेटा का यूज़ कर रहा है वो बंद होकर आप जो प्रॉपर यूज़ कर रहे हैं जिस पार्टिकुलर ऐप को वो काफ़ी फास्ट वर्क करेगा। इसमें आपको गेम टर्बो का भी ऑप्शन मिल जाता है जिसे ऑन करके आप अच्छे गेम का एक्सपीरियंस भी ले सकते हैं। आप जब डिस्प्ले सेटिंग में जाएंगे तो ऑटोमेटिक ब्राइटनेस ऑन करने पे क्या होता है कि आपका जो है ब्राइटनेस कम या ज़्यादा आपके रूम के लाइटिंग के अकॉर्डिंग जो है होते रहता है या बाहर रहते तो उस वजह से होता है। बट मैक्सिमम लोग इसे ऑफ करके रखते हैं और जैसा आप चाह रहे हो उस तरह से यूज़ करते हैं। बट अगर आप डायरेक्ट सनलाइट में अचानक से चले जाते हैं तो आपको इस जगह पे भी पहुंचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ब्राइटनेस कम ज़्यादा करने के लिए। तो वैसे स्थिति में आप सनलाइट मोड को ऑन रख सकते हैं। इसमें बस ये होता है कि जब भी ये सनलाइट में जाएगा तभी ये ब्राइटनेस को ऑन करेगा और अदरवाइज आपको रूम में जितना भी लाइट हो उससे ये प्रभावित नहीं होता है, ये ज़्यादा लाइट नहीं करेगा। गेस्चर एंड शॉर्टकट्स में आपको कई सारा जो है ऑप्शन मिल जाता है। जिस तरह से आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप 3 फिंगर से भी ले सकते हैं और आप जो है वॉल्यूम एंड पावर बटन यूज़ करके भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप जिसमें भी चाहे सेलेक्ट करते हैं तो वॉल्यूम और जो पावर बटन है वो ऑलवेज ऑन रहता है और जो 3 फिंगर डाउन करने का फीचर है वो ऑन या ऑफ भी किया जा सकता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें ड्यूल स्पीकर है, एक नीचे की तरफ और एक ऊपर की तरफ है।
तो आप चाहे तो साउंड सेटिंग में जाके आप इसे इस तरह से सेटिंग कर सकते हैं कि आप दो मल्टीमीडिया को, जैसे पीसी के तरह, आप दो मल्टीमीडिया को एक साथ प्ले कर सकते हैं और दोनों अलग अलग स्पीकर में बजेगा। अगर आप स्टेटस बार में जाते हैं तो आपको शो कनेक्शन का भी ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप इसे ऑन कर देते हैं तो ऊपर की तरफ आपको कनेक्शन का जो है स्पीड शो करेगा कि कितना स्पीड, कितना Mbps, कितना KB अभी आपका जो है नेटवर्क दे रहा। अपने मोबाइल का थीम जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जितना मन उतना चेंज कर सकते हैं। इसमें जितना भी थीम आपको दिया गया है ऑनलाइन वो सारा का सारा फ्री मिलता है। प्रीमियम के बावजूद आप इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, ये बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री है। ये जो ऑफर है ये सिर्फ मेरे ख्याल से MIUI के में ही है, बाकी के जो भी फोन्स हैं उसमें आपको जो भी थीम है उसे परचेज करना पड़ता है, चाहे वो जितना लो प्राइस का हो या हाई प्राइस का हो, बट आपको MIUI में ये बिल्कुल फ्री मिलता है। अगला जो फीचर है वो फिंगरप्रिंट सेंसर से रिलेटेड है। तो जो ये फिंगरप्रिंट सेंसर है ये दो कंडीशन में वर्क करता है। आप चाहे तो इसे प्रेस एंड टच पे भी कर सकते हैं एंड ओनली टच पे भी इसे सेट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग में जाने के बाद आपको फिंगरप्रिंट जो सेटिंग है उसमें जाना होगा। उसमें आप देखेंगे कि इस जगह पे आपको फिंगरप्रिंट रिकॉग्निशन मेथड का जो है ऑप्शन दिख जाता है, जिसमें टच और प्रेस का ऑप्शन देता है। अगर आप प्रेस में डाल देते हैं तो आप टच करने से ये ऑन नहीं होगा, टच के साथ इसे प्रेस भी करना होगा। और अगर आप सिर्फ टच पे रखते हैं तो आप देखेंगे कि सिर्फ टच करने से ही जो है ये ऑन हो जाता है। साथ ही इसमें मल्टी फेस अनलॉक का ऑप्शन भी मिलता है, यानी कि आप एक से ज़्यादा फेस को भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और पहले के जो भी MIUI का ऑप्शन हो या फिर अदर जो भी फ़ोन है उसमें मैक्सिमम आपको सिंगल फेस अनलॉक ही मिलता है, बट इसमें आप 5 फेस तक अनलॉक में डाल सकते हैं। इसमें आपको ऐप लॉक का भी ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि आप अपने जो भी ऐप को लॉक करना चाह रहे हैं उसे आप लॉक भी कर सकते हैं। तो ऐप लॉक में जाके आप इसे बस टर्न ऑन करेंगे, देन आपको एक पासवर्ड ड्रॉ करना होगा। उसके बाद आप जिस भी ऐप को जो है लॉक करना चाहते हैं उसे आप इस जगह से लॉक कर सकते हैं। एंड लास्ट एक और इसमें अच्छा फीचर मुझे लगा, ये लाइट मोड। लाइट मोड अगर आप ऑन करते हैं तो आपका जो भी ऐप है वो बड़ा दिखेगा। ये उन लोगों के लिए अच्छा होगा जो थोड़ा बड़े एज के होते हैं और उन्हें छोटे जो आइकन्स है वो देखने में थोड़ा दिक्कत हो रहे हैं, तो वो बड़े आइकन यहाँ से लाइट मोड ऑन करके रख सकते हैं। तो इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।